एक बहुत ही डरपोक चूहा रहता था। वो हर किसी से डरता था, लोमड़ी, भेड़िया और कभी कभी तो खुद से ही। जैसे ही हवा चलती तो वो डर जाता और पेड़ के अंदर एक सुराख में चले जाता। इसकी वजह से सारे जानवर उसका मजाक उड़ाते थे। तुम बहुत डरपोक हो, तुम कितने डरपोक हो। अरे तुम तो हवा से भी डरते हो। तुम बहुत डरपोक हो, तुम बहुत डरपोक हो, तुम बहुत डरपोक हो। एक दिन चूहा अच्छे से तैयारी करके शेर से मिलने गया। शेर ने बस थोड़ी ही देर पहले अपना खाना खत्म किया था और वो थोड़ी देर के लिए सो रहा था। चूहे के दोस्त सब देख रहे थे कि चूहा क्या कर रहा है। चूहा शेर की पूंछ पर चढ़ना शुरू हो गया। वो शेर के पीछे खड़ा हुआ। बड़ी ही खुशी के साथ उसने अपने दोस्तों को देखा, लेकिन वो बहुत डरा हुआ भी था। वो अपने दोस्तों को ये दिखाना चाहता था कि वो डरता नहीं है। और बिल्कुल उसी वक्त शेर जाग गया और जैसे ही वो अपने आप को हिलाने लगा, चूहा नीचे गिरा। शेर चूहे की आंखों में देखने लगा। दूसरे सारे जानवर बहुत डर गए। खा जाएगा। ए, ए चूहे, तुम मेरी पीठ पे क्या कर रहे थे? जंगल के बादशाह, मुझे तो आपसे वैसे ही बहुत डर लगता है। मेरी जान आपके हाथों में है बादशाह सलामत। मैं तो डाल पे बैठा हुआ था। मुझे अफसोस है कि मैं आपके ऊपर गिर गया। आप तो जंगल के बादशाह हैं, आपको तो बड़े बड़े जानवर खाने चाहिए। अगर आप इजाजत दें तो मैं आपको एक खाने का इंतजाम कर सकता हूँ। शेर ने उस चूहे की बात बिल्कुल चुपचाप सुनी। चूहा ये सोच रहा था कि शेर क्या जवाब देगा। मुझे एक वजह बताओ कि मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं, तुम्हें खा क्यों ना जाऊं। आपकी मदद जाया नहीं जाएगी, ये मेरा वादा है। शायद एक दिन मैं आपकी मदद कर सकूं। जैसे ही चूहे ने अपनी बात खत्म की, शेर बहुत जोर से धाड़ने लगा। यह कैसे हो सकता है, एक छोटा सा जानवर मेरी मदद कर दे। लेकिन जैसे ही शेर ने देखा कि चूहा बहुत डर गया है, तो उसने उसे ना खाने का फैसला किया। मुझे तुम्हें नहीं खाना, चलो जाओ यहाँ से, जाओ। चूहा वहाँ से जल्दी से भाग निकला। बहुत दूर से ये सब देखकर चूहे के दोस्त बहुत हैरान थे। बहुत वक्त गुजरने के बाद शेर बहुत भूखा हो चुका था और उसे कुछ खाने को नहीं मिल रहा था, और वो अचानक एक शिकारी के जाल में फंस गया। वो एक बहुत बड़े जाल में फंस चुका था। उसने जाल को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो ये नहीं कर पाया। वो जंगल का बादशाह था और अगर वो किसी को मदद के लिए बुलाता तो कोई ना कोई जरूर आता, लेकिन सारे शिकारी उसे सुन लेते और वो जल्दी से वहाँ आ पहुँचते। कोई चारा ना होने की वजह से वो इंतजार करने लगा। दूसरी तरफ जंगल में रहने वाले जानवरों ने शेर को देख लिया, लेकिन कोई उसके करीब नहीं जा सकता था। जब वो वहां से गुजर रहा था, चूहे ने शेर को देखा और उसने उसकी मदद करना चाही। वो जल्दी से उसके करीब गया। वो शेर की पूंछ की मदद से ऊपर गया और जब वो ऊपर पहुंचा तो वो जाल को काटने लगा। और उसी वक्त खरगोश उनके करीब आया। अरे चूहे, जल्दी करो, वो लोग आने वाले हैं। सारे जानवर वहाँ से भागने लगे जब उन्होंने सुना कि शिकारी यहाँ आ रहे हैं।
लेकिन चूहा अभी भी जाल काट रहा था। आखिर में चूहे ने अपना काम कर दिखाया और शेर नीचे गिरा। चलो मेरी कमर पे आ जाओ, हम लोगों को यहाँ से निकलना होगा। चूहा शेर के ऊपर चढ़ा और वो दोनों वहाँ से भागने लगे। आखिर में शेर और चूहा शेर के घर आ पहुँचे। उसने अपने आप को नीचे किया ताकि चूहा नीचे उतर सके। तुमने एक दिन मुझसे कहा था कि तुम भी मेरी मदद कर सकते हो, लेकिन उस दिन मैं समझा नहीं था। मैंने सोचा तुम जैसा छोटा जानवर मेरी क्या मदद करेगा, पर तुमने मेरी जान बचाई, बहुत शुक्रिया। ये तो मेरा फर्ज था। अब से तुम मुझसे कभी नहीं डरना, बल्कि अब तुम्हें किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम एक बहुत अच्छे जानवर हो और आज से हमारी दोस्ती और भी ज्यादा मजबूत हो गई है, इसलिए तुम किसी से भी नहीं डरना। शेर और चूहा दोनों हंसने लगे। सारे जानवर जो ये सब बहुत दूर से देख रहे थे वो सब हैरान हो गए। शेर और चूहे दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए और वो अपनी जिंदगी बहुत खुशी से गुजारने लगे। Thank you.